तो आप सुन रहे हैं मुझे तलत अजीज को कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर। आगे बढ़ते हैं और मुझे एक बहुत ही खूबसूरत कुछ पोइट्री याद आ रही। आनंद बख्शी साहब ने एक बार मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हें पता है पहला आशिक कौन था। मैंने कहा आदम और हव्वा, एडम एंड ईव। ये वाकई दिस एक्चुअली व्हाट हैपेंड। बोले नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, वो तो लेजेंड वगैरह छोड़ो, तुम्हें पता है कि पहला आशिक कौन था। मैंने कहा नहीं। बोले इस पर मैं एक पोएम लिखने वाला हूँ, और उन्होंने लिखा, मैंने रिकॉर्ड भी किया ये, और सुनिएगा। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, न जाने ये सबसे पहले कहा किसने कहा किससे, वो आशिक कौन था आखिर, चली रस्म वफा जिससे, किया था पार पहली बार किस पागल ने ये दरिया, कि जिसमें आग बहती है कि जिसमें मौत रहती, न जाने ये कसक उठी किस शख्स के दिल में, कि फिर होने लगे यही चर्चे हर एक महफिल में, मुझे तुमसे मोहब्बत है ना। क्या खूबसूरत बात है। और मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं। और मेरा और एक बहुत ही खूबसूरत फेवरेट सॉन्ग रफ़ी साहब का, फिल्म का गाना, आई थिंक 1961 में ये फिल्म थी, चौदहवीं का चांद। और मुझे याद है कि मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है कि मेरे चाचा उस ज़माने में, मेरे अंकल रेडियो पर बहुत ज़ोर से लगाते थे, और मेरे वाले साहब जो है वो बोलते थे यार रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम करो। बोले नहीं अजीम भाई, मेरे वाले साहब का नाम था अजीम भाई, क्या गाना है रफ़ी साहब ने क्या। और वो मेमोरी आज भी मुझे याद है, और चांदनी रात होती थी, मुझे याद है, आई रिमेंबर दिस। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मैं एक ऑक्टेव नीचे गा रहा हूँ क्योंकि रवि साहब इसके ऊपर के ऑक्टेव में गाए। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।